हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड नलिनी आज आपके लिए लेके आई हूँ गुंजिया। देखिए होली आ रही है और होली पे हम लोग ड्राई स्नैक्स बना के रखते हैं जनरली, जैसे चिवड़ा है, शक्कर पारे या नमक पारे हैं और गुंजिया। शक्कर पारे और चिवड़े मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे बनाने हैं, तो कोई आज मिठाई भी हो जाए। और गुंजिया होली पे एक स्पेशल डिश है जो कि होली पे विशेषकर बनाई जाती है। ये आमतौर पे दिवाली वगैरह पे बनाते हैं लेकिन होली पे इसका कुछ विशेष ही महत्व है। तो ये मैं बता देती हूँ आज आपको इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनाई जाती है। देखिए ये बेसिकली मैदा से बनाई जाती है और इसमें स्टफिंग के लिए जो सामान लगता है, सबसे पहले मैं आपको स्टफिंग के लिए बताती हूँ कि इसमें मैंने लिया है खोपरा लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम ही मैंने इसके लिए लिया है मावा यानी कि खोआ जो कि फीका आता है। 100 ग्राम ली है चीनी और टेस्ट के लिए इसमें लिए हैं ड्राई फ्रूट्स अलग अलग। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं काजू, किशमिश, खसखस, चिरौंजी और इलायची पाउडर। इसके अलावा भी आपको अगर कोई और पसंद है जैसे पिस्ता है, बादाम है, तो वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे ये खोपरे के टुकड़े काट के रख लिए हैं और अब मैं इनको मिक्सी में पीसकर इनका बुरादा कर लूँगी। सबसे पहले मैंने खोपरा काटा है, अभी मैं मिक्सी में इसको पीस लूँगी। ये देखिए पूरा हमारा नारियल का बुरादा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। देखिए ये चीजें मैंने तोल के हिसाब से ली हैं, तो आप ये तीनों चीजें इक्वल लीजिए, खोआ, नारियल और चीनी। हम लोग ये जो खोआ लिया है हमने, इसको हम लोग मेल्ट कर लेंगे। देखिए खोआ अगर ले रहे हैं आप बनाने के लिए तो ये देख लीजिए कि ये फ्रेश आपका लाया हुआ हो या घर में बनाया हुआ हो। अभी एक कढ़ाई में इसको हम गर्म कर लेंगे, मेल्ट करने के लिए रख देंगे। इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, इसमें करीब आधा कप मैंने दूध डाल दिया है और इसको मेल्ट होने देंगे। बस इसको चलाना जरूरी है क्योंकि ये पैंदे में चिपक सकता है। देखिए मेल्ट हो गया है हमारा, 1 मिनट में ही मेल्ट हो जाएगा ये। अब आप इसको हिलाते रहिए। अब ये जैसे ही मेरा खवा पूरा मेल्ट हो गया है मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। उससे क्या है, ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डल के फूल जाएंगे, जैसे खसखस है, किशमिश है, ये क्या है, फूल जाएंगे मेवे में डल के। देखिए काजू, किशमिश, खसखस, चिरौंजी, ये सब मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इनको चला लूंगी। देखिए खोवे में अपना घी होता है, चिकनाई होती है, इसलिए घी इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं है। और नारियल जो हम ले रहे हैं सूखा, उसमें भी अपनी चिकनाई होती है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा अपना घी छोड़ने लगेगा, बहुत जल्दी से ये पिघल के तैयार हो गया है और इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। और ये देखिए जो दूध मैंने डाला था वो इसका एब्जॉर्ब हो गया और इसमें एक गाढ़ापन आ गया। तो गाढ़ापन आने के बाद इसमें थोड़ा सा और इसको सेकना है, ये घी छोड़ेगा और इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। 2 मिनट में आपको इसमें से ऐसी खुशबू आने लग जाएगी जैसे तुरंत अभी ताजा आपने दूध उठाया है। और ये देखिए बिल्कुल एक जीव हो गया है, एक साथ हो गया है ये पूरा, अभी ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, एक साथ हिल रहा है। तो इस स्टेज पे आप इसमें अब चीनी डाल दीजिए। ये 100 ग्राम चीनी मैंने ली थी, जितना खवा था उतनी चीनी थी, और चीनी को मिक्स कर दीजिए। चीनी अभी अपना पानी छोड़ेगी तो ये वापस से एक बार पतला होगा। अभी चीनी पिघलने लग गई है और देखिए इसका आयतन भी थोड़ा बढ़ गया है और ये थोड़ा सा पतला हो गया है, अभी पूरी तरह से पिघली नहीं है। चीनी को पूरी अच्छी तरीके से आप मेल्ट होने दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ खवे का, अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह पे मिल्कमेड का भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्कमेड में इसी तरीके से आपको ड्राई फ्रूट्स डाल के चलाना है। अब मेरी चीनी पिघल गई है और ये मेरा देखिए कढ़ाई छोड़ने लग गया है वापस से मावा। अब मैं इसमें डाल दूंगी खोपरा। ये खोपरा डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। आंच देखिए आप सिम रखिए, जैसे ही मावा पिघलता है उसके बाद से मैंने आंच बिल्कुल धीरी कर रखी है वरना बहुत जल्दी जल सकता है। और अब ये 1 से 2 मिनट आपको ये नारियल के साथ में इस मावे को चलाना है, बिल्कुल ही इसका सूखापन आ जाएगा, ये सूख जाएगा एकदम पूरा मावा और ये जो खोपरा है आपका एक साथ हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें सेकते टाइम सूजी भी डाल सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। ये देखिए बिल्कुल सूख गया और ये एक सार हो गया है हमारा खोपरा इसके साथ में सिक के।
अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसके आप नारियल को इसको ठंडा होने दीजिए, इस मसाले को। ये हमारा बन गया स्टफिंग। गुंजिया की स्टफिंग के लिए हमारा बन चुका है। इसमें अब आप डाल दीजिए ऊपर से ये इलायची पाउडर जो हमने पीस के रखा था, वो आप डाल दीजिए इसमें। इलायची का स्वाद बहुत अच्छा आता है, इलायची ज़रूर डालिए। और कोई ड्राई फ्रूट भी अगर आपने नहीं डाले, खाली इलायची डाल दिए, तो भी बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है इलायची पाउडर का इसमें। अब आप क्या कीजिए, कढ़ाई गर्म है तो आप ऐसा कीजिए, इसको एक किसी बर्तन में निकाल दीजिए, एक स्टील की प्लेट में निकाल सकते हैं ताकि ये ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा जो खोए का मसाला मैंने बनाया है गुंजिया की स्टफिंग के लिए, ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसको हम ऐसे चौड़ा करके छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए, अब गुंजिया बनाने के लिए मैंने ली है पाव भर मैदा, यानी कि 250 ग्राम मैदा ली है, और एक चम्मच मैंने ली है इसमें पिसी हुई चीनी, और दो चम्मच मैंने तेल लिया है मोन डालने के लिए, यानी कि मैदा में मिक्स करने के लिए। और बच्चों को भी ऐसी चीजें करने में बहुत मजा आता है, तो उनको भी आप थोड़ा सा सहयोग करने दें तो उनको अच्छा लगता है। और इसमें ये थोड़ा सा तेल डालेंगे, अभी पहले आधा डालेंगे। पहले तो ऐसे हुआ करता था कि जब गुजिया बनती थी तो घर में सब बच्चे आ जाते थे, एक जना बेलता था, एक जना उसमें मसाला डालता था और एक जना उसको बंद किया करता था, तो त्योहारों का मजा ही कुछ और होता था, घर में सभी बच्चे बड़े उसमें हिस्सा लिया करते थे। देखिए, अब इस मैदा का हम आटा गूंदेंगे। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना, मीडियम आपको रखना है। बचा हुआ तेल अब हम इस पे जो एक चम्मच बच गया था वो वापस से डाल लेंगे धीरे धीरे करके, और इस तरीके से हम आटा अच्छे से गूंदेंगे। अच्छा आटा बनाना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ अच्छी बनाने के लिए। आटा जितना अच्छे से आप गूंदेंगे, इस तरीके से गुटिया लगाइए इस पे। देखिए, हमारा अब आटा और हमारा मसाला दोनों चीज़ें तैयार है। अब हम बनाएंगे गुजिया। देखिए, अब हम कढ़ाई में तेल रख लेते हैं और तेल ले लेते हैं और इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं। बाय द टाइम जब तक तेल गर्म होगा तब तक हम गुजिया बना लेते हैं। इसको स्लो फ्लेम पे रख दीजिए, आराम से ही गर्म होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आटा गूंदा है इसको 5 मिनट हो गए हैं रखे हुए, उससे और अच्छा बनेगा ये। इस तरीके से लंबी लंबी इसकी ये बनाइए और इक्वल साइज की इसकी हम बॉल्स के लिए लोहे तोड़ लेंगे इस तरीके से। गुंजिया आप सांचे से भी बना सकते हैं, पर आपके पास सांचा नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से पहले लोहे तोड़ लेंगे इक्वल साइज के। देखिए, गुंजिया बनाना शुरू करने से पहले आप एक बाउल में थोड़ा सा तेल ले लीजिए और एक में थोड़ा सा पानी। इनको मिक्स नहीं करना है, इनका क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जब आप बनाएंगे तो उससे पहले ये जो आपने आटे की ये लोई बनाई है इस पे थोड़ा सा तेल लगा के इसको बेल लीजिए, क्योंकि इस पे सूखा आटा लगाने की जगह तेल लगा के बेला जाता है। ये देखिए, पूरी की जैसी बन गई आपकी। अभी ये बनने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको हाथ में लीजिए और जितनी बड़ी आपकी बॉल थी ना आटे की, करीब उतना ही आप इसमें मसाला लीजिए और इस तरीके से इसको आपको फोल्ड करने से पहले अब आपको क्या करना है, पानी में अपनी उंगली टच करनी है और इसका जो ये सर्कमफेरेंस है इस पे आउटर साइड पे ऐसे एक पानी की आप लाइन बना दीजिए। इससे क्या होगा कि ये चिपकने के बाद गुंजे खुलेंगे नहीं, और इस तरीके से आप इसको अंगूठे से प्रेस करके ऐसे चिपका दीजिए। अगर आपके पास सांचा है तो सेम काम आप सांचे से कर सकते हैं, उससे यहाँ पे किनारी पे उसमें डिजाइन भी बन जाती है। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए। अब हम इस तरीके से सारी गुंजिया यहाँ पे बना के रख लेंगे। देखिए, हम अलग अलग शेप की भी चीजें बना सकते हैं, तो खाने में भी बच्चों को भी आपको देने में मजा आएगा। अब हम बनाएंगे समोसे की शेप की गुंजिया, यानी कि मीठा समोसा। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले वही हम पूड़ी बेल लेंगे। पूड़ी बेलने के बाद में मैंने ये इसमें से बीच में से कट किया, इसके ये देखिए दो हाफ सर्कल्स बन गए। हाफ सर्कल बनने के बाद में ये वाली सरफेस पानी लगाया इधर,
हाफ सर्कल के इस सरफेस पे पानी लगा के इसको ऐसी कोन की शेप दे दीजिए। ये देखिए ये कोन की शेप दे दी है हमने। अच्छे से इसके कॉर्नर्स मैंने प्रेस किए, कॉर्नर की शेप देके, कोन की शेप देके, और अब हम इसमें ये हमारा मसाला भर देंगे। ये बहुत ही क्यूट छोटे छोटे मीठे समोसे बन जाएंगे। और फिर से सेम काम, यहाँ पे हम पानी लगाएंगे और इसका ये वाला सरफेस ऐसे बंद कर देंगे, ये सारे कॉर्नर्स इसके चिपका देंगे अच्छे से। बाय द टाइम हम ये समोसे और गुंजिया सब बना के रख रहे हैं, हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। हम चेक कर लेते हैं तेल गर्म हो गया है क्या। एक छोटा सा मैंने इतना सा मैदा डाल के देखा, देखिए ऊपर आ गया यानी तेल हो गया। अब मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया है क्योंकि इसको अच्छे से सेकना है। तो आप सिम या मीडियम फ्लेम रखिए और इसमें गुंजिया को ऐसे धीरे से डाल दीजिए। और इसको धीरे धीरे आराम से तलने दीजिए, तब तक आप और गुंजिया आपकी बना लीजिए। देखिए ये पूरी तेल में डूबी हुई थी, ये एक तरफ से तो पूरी ब्राउन हो गई है, दूसरी तरफ से भी हल्की ब्राउन हो गई है। अब आप इसको टर्न कर दीजिए, ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। दूसरी साइड से भी ऐसी ही ब्राउन हो गई है, तो आप इसको निकाल लीजिए। मीठे हमारे और ये गुंजिया ये हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए तो कितनी जल्दी से और आसान तरीके से इतनी स्वादिष्ट आपकी मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो त्योहारों पे मिलके मिठाइयाँ बनाइए और खाइए और मज़े उड़ाइए। मैं और ऐसी ही कई अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।